राष्ट्र को तो हम सब जानते हैं और उनके बच्चे हैं कौरव और उनके भाई के बेटे हैं पांडव। तो महाकुरुक्षेत्र संग्राम युद्ध हो रहा था और ये एक तरह से सुनिश्चित हो गया था कि दुर्योधन हारने वाला है भीम के हाथों में। तो धृतराष्ट्र को एक वरदान दिया गया कि कोई भी उनके पास आए और धृतराष्ट्र उनको अपने चुंगल में ले ले तो वो भस्म हो जाएगा। इसलिए धृतराष्ट्र ने यह तय किया, क्योंकि दुर्योधन भीम के हाथों मरने वाला है, इसलिए धृतराष्ट्र ने तय किया कि भीम को मैं अपने चुंगल में ले लूंगा। और उन्होंने उसको मैसेज भी भेजा कि तुम आओ, मैं अपना आशीर्वाद तुमको देना चाहता हूं। पर कृष्ण भगवान तो सर्वांतर्यामी है, वो जानता था कि धृतराष्ट्र क्या करना चाहते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भीम को बोला कि तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और धृतराष्ट्र के पास आते आते कृष्ण भगवान ने भीम को रोककर भीम के जगह एक पुतला खड़ा किया था। तो धृतराष्ट्र ने आगे आकर, क्योंकि वो देख नहीं सकते, इसलिए आगे आकर उन्होंने सोचा कि वही पुतला भीम है और उनको अपने चुंगल में ले लिया था। और इमीडिएटली वो जो पुतला था वो भस्म हो गया। मैं आज ये कहानी आपको इसलिए सुना रही हूं क्योंकि 23 साल से ऐसे धृतराष्ट्र के चुंगल में ओडिशा फंसा हुआ है और ओडिशा को बचाने के लिए यहां के लोग तय करना चाहिए कि किसको आप वोट देने वाले हो। केवल और केवल 1.5 साल बचा हुआ है और अगर आप देखोगे ओडिशा में जिस तरह से विकास होना था वैसा हुआ क्या, आप अपने से एक बार पूछ लीजिए। यहां कौन अपने को सुरक्षित मानता है? यहां बहुत सारे बहनें बैठे हुई हैं, मां बहनें बैठे हुए हैं, क्या वो अपने को ओडिशा में सुरक्षित मानते हैं? हर दिन हम मीडिया में देखते हैं जिस तरह से महिलाओं पर दुष्कर्म बढ़ते जा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। यहां के किसानों के साथ इंसाफ नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटन किए, पर उसका उपयोग यहाँ ओडिशा में हमारे मत्स्यकार जो भाई बहन होते हैं उनके लिए यहाँ उसका उपयोग नहीं होता है। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलती है। हमारे बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप, अपने पत्नी, बच्चों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है रोजगार ढूंढते ढूंढते। मैं आप सभी से मन से यही सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप ऐसे शासन चाहते हो ओडिशा में? दूसरी तरह अगर आप देखोगे, 8 साल हो गया है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाए हुए। जिस तरह की सुशासन देश को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आप एक बार उस पर थोड़ा अपना ध्यान दें। सबके साथ